ये हो गया हमारा हेमेस्फेरिकल बाउल अब क्या कह रहा है अ बाउल इज मेड ऑफ स्टील स्टील ये का बना हुआ है 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस तो इसका मतलब है ये जो थिकनेस है वो कितनी है हमारी 0.25 सेंटीमीटर राइट अब आगे क्या कह रहा है द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर अंदर वाले बाउल का ये देखिए दो बाउल दिख रहे हैं एक के अंदर एक तो ये थिकनेस है स्टील की और उसके अंदर की तरफ से जो अगर रेडियस देखेंगे तो कितना आ रहा है हमारा दैट इज फाइव सेंटीमीटर तो देखिए यहां से देखिए यहां से यहां तक का रेडियस आ रहा है हमारा फाइव सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक का लिख देती हूं क्या आ गया फाइव सेंटीमीटर रेडियस अब आगे क्या कह रहा है फाइंड द आउटर कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द बाउल हमें बाहर का कर्व सर्फेस एरिया ऑफ बाउल निकालना है तो देखिए अगर बाहर का रेडियस निकालें तो यहां से यहां तक का रेडियस कितना होगा ये निकाल लेता आउटर पार्ट तक का कैसे निकालेंगे अगर हम इस रेडियस में थिकनेस ऐड कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा आउटर रेडियस ऑफ आउटर रेडियस ऑफ़ बाउल कितना आ गया देखिए हमने क्या किया जो इनर रेडियस था प्लस उसकी थिकनेस को ऐड कर दिया थिकनेस तो ये आ गया हमारा इनर रेडियस था फाइव सेंटीमीटर और थिकनेस थी ज़ीरो पॉइंट टू फाइव तो ये आ गया हमारा फाइव पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया और आउटर का अब हमें कर्व्ड पार्ट का एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस सरफेस एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल निकाल देंगे जो कितना होगा हमारे पूरे स्वेयर का फोर पाया स्क्वायर होता था तो आधे बाउल का कितना होगा हेम स्फेयर का कितना होगा टू पाया स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा टू पाई की जगह हम लिख देंगे ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन और रेडियस कितना आ गया हमारा फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू फाइव पॉइंट टू फाइव अब पॉइंट हटाया नीचे दो जीरोज लग गई इसी तरीके से ये पॉइंट हटाया और नीचे दो जीरो सेवन सेवन जो फिफ्टी टू थर्टी फाइव सेवन फाइव थर्टी फाइव अब ट्वेंटी फाइव थ्री सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जिस हंड्रेड नाउ अगेन हम देखेंगे अब देखिए टू वन जो टू 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 ज फोर टू वन जो टू एंड इलेवन तो ये कितना बज गया आप चाहें तो इसे भी कैंसिल कर सकते हैं मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं जीरो होने की वजह से डायरेक्टली दो वैल्यूज के बाद पॉइंट लगा दूंगी इसलिए तो ये आ गया हमारा तो ये आ गया हमारा इलेवन इंटू थ्री इंटू फाइव टू फाइव अपॉन हंड्रेड तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम तो देखिए ये आ गया थर्टी थ्री इंटू फाइव टू फाइव कर लेते हैं फाइव टू फाइव इंटू थर्टी थ्री

25 और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ऑफ एक्सरसाइज 13.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जस्ट एनक्लोजेज उसको ने उसके अंदर क्या है एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है स्फीयर का रेडियस आर है तो ये मान लीजिए ये रेडियस है और ये कितना है आर है राइट right? अब आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है फाइंड सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है और रेशियो ऑफ द एरियाज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड और इन दोनों के बीच की रेशियो निकाल लें अब एक चीज ध्यान दीजिएगा जो हमारा स्फीयर का रेडियस है वही हमारा किसका रेडियस होगा सिलेंडर का क्यों क्योंकि देखिए स्फीयर क्या है एंड टू एंड टच है सिलेंडर के तो जितनी चौड़ाई यहाँ से है उतनी ही चौड़ाई यहाँ से है सिलेंडर की तो हमारा रेडियस यहां से यहां तक का रेडियस कितना आ गया हमारा सिलेंडर का भी आर ही आ गया राइट अब ये हो गया अब हम रेडियस आर सिलेंडर का भी और स्फीयर का भी लेके हम उन दोनों का सरफेस एरिया और कर्व सरफ़ेस एरिया निकाल लेंगे तो अब हम लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो है हमारा वो किसके इक्वल है रेडियस ऑफ सिलेंडर के सिलेंडर जो कि कितना है आर है राइट right? अब दोनों का रेडियस हमें आर पता चल गया अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है जो कितना होता है दैट इज फो स्क्वायर राइट अब आर की जगह आर ही लिखना है तो यही आ जाएगी वैल्यू अब इसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है तो सेकेंड पार्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कितना होता है टू पाए होता है राइट right, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी अब आप देखिए हाइट हमारी क्या होगी स्फीयर के यहां से ये क्या हो गया स्फीयर का रेडियस हो गया और इसी तरीके से एक रेडियस हमारा बॉटम को टच करता हुआ हो गया अगर आप हाइट देखेंगे तो हमारी यहां से लेके हाइट पता चल गई आर प्लस आर देखिए, यहां लिख देती हूं ये आ गई हमारी आर और प्लस आर तो यहां साइड में लिख रही हूं हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई हमारी क्या लिखना है टू आर लिखना है तो यह कितना जगह क्या लिख दिया टू आर तो ये कितना आ गया देखिये कॉन्स्टेंट की कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई टू टू फोर पाएज और आर इंटू आर इज आर स्क्वायर तो ये कितना आ गया फोर two पाएर तो फिर से बता रही हूँ टू इंटू टू इज फोर पाए आर इंटू आर इज आर स्कवायर और हमारी हाइट क्योंकि ये जो स्पीयर है वो सिलेंडर के टॉप से और बॉटम से टच कर रहा है और रेडियस आपको पता है किस कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप सेंटर से एक लाइन टच करेंगे तो वो क्या होता है रेडियस होता है और हर एक जगह सेम होता है तो ये रेडियस प्लस रेडियस तो टू आर आ गया राइट right? अब हमें क्या निकालना है रेशियो ऑफ द एरियाज़ हमें इन दोनों एरियाज का रेशियो निकालना है तो थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं तो थर्ड पार्ट में रेशो कैसे निकालेंगे पहले हमने स्फीयर का सरफ़ेस एरिया निकालना था तो सरफ़ेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फिर हमने सिलेंडर का निकाला था इसलिए बाद में हम सिलेंडर रेशियो का मतलब पहले जो निकाला और उसके बाद जो निकाला तो उ, पहले जो निकाला वो ऊपर रहेगा और जो बाद में निकाला वो नीचे आ जाएगा अब देखिए स्फीयर का सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी फोर पाई आर स्क्वायर तो दोनों का फोर पाएर स्क्वायर लिख लेते हैं तो ये आ गया हमारा फोर पाएर स्क्वायर अपॉन फोर पाएर स्क्वायर क्योंकि सेम था रेडियस आर ही है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ये ये क्या आ जाएगा वन अपॉन वन तो रेशियो कितनी आ गई रेशियो ऑफ द एरिया आ गई एरियाज आ गई दैट इज वन इज टू वन इज द आंसर